और फरीदाबाद में सीएम की अध्यक्षता में एफएमडीए की बैठक हुई। इस बैठक में फरीदाबाद के विकास को लेकर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा सभी विधायक और अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि फरीदाबाद के 3 अंडरपास में एफएमडीए की तरह से डिस्पोजल पंप लगाया जाएगा और बरसाती पानी की निकासी का काम भी किया जाएगा। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की आज दूसरी मीटिंग हुई है और इन प्रारंभिक बैठकों में लगातार प्रयत्न यही रहता है कि फरीदाबाद के नागरिकों को, यहाँ की जनता को कैसे एक अच्छा व्यवस्थाओं का आभास हो और कैसे उनके जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय बनाया जा सके, ऐसी व्यवस्थाओं का विचार किया जाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो आईटी से बेस्ड सारी व्यवस्थाएं हो। तो आज ऐसे कुल मिलाकर 15 एजेंडाज थे, तो 15 के 15 एजेंडाज की चर्चा हुई, कुछ निर्णय भी हुए, कुछ आगे के लिए डेफर भी किए गए, कुछ अगली मीटिंग में फिर उनको लेकर के आएंगे। मुख्य रूप से पानी का जो आज विषय है, बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय किया है कि आने वाला जो 1 अगस्त यानी आज से 15 दिन बाद यहाँ जो पानी है वो 60 MLD पानी की सप्लाई और बढ़ाई जाएगी, यानी 6 नए रेन्यूअल शुरू हो जाएंगे और इससे रेन्यूअल की जो संख्या है पहले 16 थी, 22 हो जाएगी और जिससे 180 MLD पानी जो है वो कुल मिलाकर के उसकी आपूर्ति होगी। तो एक पानी की जो छोटी मोटी कठिनाई जहाँ जिस भी क्षेत्र में है वो उससे पूरी होगी। शहर के 3 अंडरपास जहाँ पानी भरता था उनकी पानी निकालने की जो मोटरें हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है ताकि आने वाली बरसात में उनमें पानी जो है वो ना भरे। पानी की जो आपूर्ति करने वाले टैंकर्स हैं उन टैंकर्स का भी सोर्स एफएमडी के द्वारा उनको दिलवाया जाए ताकि वहीं से वो भरें और एक निश्चित फीस भर करके और पानी की सप्लाई जहाँ उनकी आवश्यकता है वो भरेंगे। जगह जगह इलीगल जो कनेक्शंस हैं ट्यूबवेल के वो उनके बंद कराए जाएंगे। NIT से और ग्रेटर फरीदाबाद, क्योंकि जितने भी रोड्स हैं ये नॉर्थ टू साउथ हैं लेकिन ईस्ट टू वेस्ट रोड्स पूरे फरीदाबाद के कम हैं, इसलिए आज विचार करके 2 ऐसे नए रोड्स प्रपोज किए गए हैं। अब उसमें एजेंसी तय करनी है किस एजेंसी से बनवाया जाए। एक सड़क सोना रोड से को जोड़ते हुए और सोना रोड, उसके बाद एक अंडरपास बना करके और बाद में जो बाईपास बन रहा है बाईपास और KGP वहाँ से जोड़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।